जय हिंद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आईटीबीपी हेड कांस्टेबल में आपका रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है, और साथ ही इस सिलेबस के साथ साथ हम आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बताने वाले हैं। बाकी जानकारी दोस्तों हम पहले वीडियो में दे चुके हैं, यदि आपको वो वीडियो देखने हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। हमने बाकी जानकारी उसमें प्रोवाइड करा दी है, जैसे कि दोस्तों आपकी इसमें हाइट कितनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए और बाकी कितनी पोस्टों पर भर्ती आई हुई है, तो वो सारी वीडियो जाकर आप दोस्तों देख सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों आपका इसमें तीन स्टेप। पहले स्टेप में दोस्तों आपका जो है इसमें फिजिकल होता है। फिजिकल में सिर्फ दोस्तों आपकी इसमें रनिंग होती है, रनिंग हाई जंप और लॉन्ग जंप। रनिंग इसमें 1600 मीटर होती है, जिसके लिए 7.5 मिनट का टाइम देता है। उसके बाद में हाई जंप होता है आपका जो है 3.5 फीट का, लॉन्ग जंप होता है 9 फीट का। उसके बाद में फेज़ वन में दोस्तों आप इस यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पर लिखी भी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फीमेल की जो रनिंग होती है इसमें 800 मीटर होती है, जिसके लिए उनको 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाता है। उनका जो है लॉन्ग जंप जो होता है वो 9 फीट का होता है, हाई जंप 3 फीट का होता है। उसके बाद में दोस्तों जो रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस रहता है वो सभी का सेम रहता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फेज़ टू में दोस्तों आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें यही रहने वाला है, क्योंकि फिजिकल बहुत आसान है। 1600 मीटर रनिंग के लिए यहाँ पर जो टाइमिंग दी गई है वो 7.5 मिनट दी गई है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट लगभग सभी 95% जो कैंडिडेट हैं वो इस फिजिकल को क्वालिफाई कर लेंगे। सबसे मेन रहेगा दोस्तों इसमें रिटन एग्ज़ाम, तो रिटन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट फेल होंगे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में हम जो कवर कर रहे हैं वो सिलेबस को कवर कर रहे हैं। फेज़ टू में दोस्तों आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस दोस्तों आप इसके पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों जनरल अर्थमेटिक। पेपर जो रहेगा दोस्तों वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाला है। तो जनरल अर्थमेटिक के दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 नंबर के होंगे। उसके बाद में जनरल नॉलेज के दोस्तों 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 नंबर के होंगे। उसके बाद में दोस्तों आपके जो है जनरल इंग्लिश के 35 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में दोस्तों आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से दोस्तों आपके टोटल 100 क्वेश्चन बनेंगे, जिसके लिए दोस्तों आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। तो 100 क्वेश्चनों का दोस्तों आपका पेपर होगा, जिसके लिए दोस्तों आपको मैक्सिमम 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये दोस्तों जो नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर वो 2017 का है, 17 के ही अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। बाकी दोस्तों जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब जारी होगा, उसमें कोई चेंजिंग की जाएगी सिलेबस को लेकर, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल ये जो सिलेबस है वो 2017 के अकॉर्डिंग है, बाकी कोई जो नई चेंजिंग की जाएगी हम आपको वीडियो में बता देंगे, जैसे इसकी जो है नोटिफिकेशन जो है आ जाएगी और इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल आप सिलेबस देख लीजिए, जो सिलेबस है वो 2017 के अकॉर्डिंग है। कोई डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। और लगातार जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।